अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो जी, आज की वीडियो जो है ये एक तारीखी ड्रेस से शुरू करते हैं। तारीखी ड्रेस नहीं बल्कि तारीखी शर्ट से। तो ये जो शर्ट है ये कम से कम 6-7 साल पुरानी है। मैं काफ़ी स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ, इधर उधर डिज़ाइंस को सर्च करती हूँ, मेरा पैशन है। तो मुझे इस तरह का कोई आइडिया नज़र नहीं आया, तो मैंने कहा क्यों ना यार इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग शेयर की जाए। ये ब्रोशा स्टफ है, आप क्लोजअप ज़रा पीछे करके फिर देख लीजिएगा। राउंड नेक है और इसकी एक स्टोरी भी है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। ये पहले ये बता दूँ कि ये शर्ट जो है वो मैंने पठान की शॉप से जो है वो बाई की थी। स्टफ जो है इसका लॉन स्टफ पे ब्रोशा बना हुआ है और ये जेंट्स का कपड़ा जहाँ से मिलता है उस शॉप से मैंने इसको बाई किया था। अब डिज़ाइनिंग आप साथ साथ देखते रहें, मैं आपको सुनाती हूँ स्टोरी। ये जी स्टूडेंट लाइफ थी हमारी, तो हम उन दिनों में जो है वो लंडा जो है हमारे लिए बड़ी फेवरेट चीज़ थी। जूते जो है वो लंडे के हम बहुत ज़्यादा पहना करते थे। तो मैं और मेरी फ्रेंड मुबीन जो है वो हम गए बाजार जाके, हमने जो है वो लंडा एक्सप्लोर किया और वहाँ से हमें जो है उस दिन एक शर्ट भी मिल गई। अब ये जो मैंने शर्ट बनाई है ये मैंने लंडे से एक शर्ट ली थी, उसकी सेम एज़ इट इज़ जो है मैंने इसको कॉपी किया है, सिवाय इसके कि इसके ऊपर ये जो फूल लगे हुए आप देख रहे हैं ये लेस का हिस्सा नहीं है, ये मैंने अलग से बाय किए हैं और ऊपर जो है वो इनको स्टिच करवाया। तो जो है वो शर्ट लेके आए, तो मैं वो शर्ट घर ले आई। तो मेरी मदर जो है उन्होंने बस मुझे जूते नहीं मारे, बाकी उन्होंने मेरी अच्छी खासी जो है वो की कि जूतों तक तो लंडा ठीक था, अब जो है तुमने कपड़े भी जो है अंग्रेज़ों के उतरन पहनना शुरू कर दोगी। तो उन्होंने मुझे नहीं पहनने दी ना, तो फिर मुझे वो पसंद थी उसकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा, तो मैंने जो है ये कपड़ा ख़रीदा और फिर इस पर जो है सेम उस शर्ट की जो है वो डिज़ाइनिंग करवाई। ये बैक साइड है, आई थिंक इसको ऊपर वाली जो है ये मैं इसको कहूँ कि पैनल सा बना हुआ है या एक जोड़ है इसको, तो आप अपने टेलर को दिखाएं तो वो समझ जाएंगे। नेक्स्ट शर्ट, ये फैब्रिक जो है मैंने किसी वेबसाइट से बाई किया था, मैं अब नहीं जानती कि कहाँ से लिया था, बट यार ये चिकन की शर्ट है जो कि बहुत ही कम, जब आजकल अक्टूबर या फिर सितंबर के लास्ट डेज में बारिश हो जाए तो ही चिकन पाकिस्तान में जो है वो हम पहन सकते हैं, क्योंकि इस तरह के चिकन के साथ जो है वो हमें स्लिप पहनना पड़ती है और बहुत मुश्किल सा स्टफ़ हो गया पाकिस्तान में चिकन, इजी टू वेयर नहीं रहा। लेकिन इसकी नेकलाइन बहुत ही खूबसूरत है, ये लेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने अनारकली बाज़ार से जो है ये ख़रीदी थी, अनारकली बाज़ार फ्रॉम फैसलाबाद जिंदाबाद, जहाँ से वैरायटी ऑफ लेसेस जो है वो आपको मिल जाती है और बहुत ही खूबसूरत है ये लेस। जो बच्चियाँ पहनना चाहती हैं पैंट्स वगैरह के साथ इसको, जीन्स के साथ, तो वो एज अ शॉर्ट शर्ट जो है वो इस तरह की मतलब जो है थोड़ा नेक को फैंसी किया जा सकता है और बाकी जो शर्ट है उसको प्लेन रखें और जीन्स वगैरह के साथ वेयर करें, अच्छी लगेगी ये बहुत ज़्यादा। वैसे मैं तो इसको जो है वो ईस्टर्न से स्टाइल में ही वेयर करती हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगी भी अभी। ये जी इसके साथ ये ट्यूलिप शलवार और ये मैंने स्टाइलो में से स्टाइलो की सेल में से जो है वो ख़रीदी थी और बहुत ही अच्छे से स्टिच की हुई है और बड़ी क्यूट सी लेस है जो इसके ऊपर लगी हुई है। मेरी ये फेवरेट मतलब इस तरह से है कि स्टिचिंग बहुत अच्छी है और इस लेस की वजह से भी, और ये इसको किसी भी वाइट दुपट्टे के साथ मैं जो है वो कैरी कर लेती हूँ। अब ये ना कहिएगा कि दुपट्टा इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, ये है जी वो है जी, तो हर एक की अपनी चॉइस है, ये इसके साथ कोई बाउंड नहीं है, इट्स एन आइडिया, दुपट्टा कोई भी इसके साथ दिया जा सकता है, फिलहाल ये अवेलेबल था तो मैंने यही निकाल लिया। अब ये जो शर्ट है ये मारिया बी ब्रांड की है और रेडी टू वेयर शर्ट थी है, और इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो है इसके ये पैचेस जो कि साइड्स पे लगे हुए हैं शोल्डर से लेके दामन तक, मोस्टली जो है वो शर्ट्स पे दामन पे ही जो है वो पैच लगा होता है, ये मुझे डिफरेंट लगा। और ये दामन का डिज़ाइन देख लें, शटल लेस लगी हुई है और नीचे जो पैच लगा हुआ है उसको उसमें प्लेट्स हैं और छोटे छोटे पर्ल्स हैं, और ये शर्ट का जो स्क्रीन प्रिंट वाला ही छोटा सा पीस है वो ऊपर लगाया हुआ है, ये है इसकी ओवरऑल लुक, और ये स्क्रीन प्रिंट है सारी शर्ट के ऊपर। थोड़ी एक्सपेंसिव रही है शर्ट मेरे लिए, लेकिन ओवरऑल वर्थ बाइंग है, एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से देखें, स्टिचिंग के हिसाब से देखें तो ज़बरदस्त है ये।
अच्छा जी, अब इसकी बैक साइड प्लेन है और इसकी ये यूँ मतलब जो नेकलाइन पर ऐसे छोटे छोटे से मोती लगे हुए हैं, इसी तरह से इधर भी लगे हैं और गेंजा के साथ सारा जो है वो नेकलाइन इसकी बनी हुई है। ये आप देख लें इसकी ओवरऑल लुक, नेकलाइन और इसके एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस जो कि साइड्स पे लगे हुए हैं। इस चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और लाइक, क्योंकि शेयर तो आप लोगों ने, लड़कियों ने करना नहीं है, ताकि जो डिज़ाइन हमने पहना है कोई और ना पहन ले।